वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की। कब इसकी शुरुआत हुई थी, किसने की थी और कितने चरण में यह की गई थी। भारत के वर्तमान में कितने ऑपरेशनल जो परमाणु संयंत्र हैं वो कितने हैं, ठीक है, और साथ ही में उनकी अवस्थिति कौन कौन से राज्यों के अंदर है। कब भारत के ऊर्जा कार्यक्रम में संशोधन किया गया था वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसे एग्जामों के लिए ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, रेड पेन रेड टी सेट, सही लग रही है, रेड टी सेट ठीक ही लग रही होगी, आप बताइए। ठीक है, तो भारत का ऊर्जा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तीन चरणों वाला परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम एक बंद क्लोज नाभिकीय ईंधन चक्र पर आधारित है, नाभिकीय ईंधन चक्र पर आधारित है। ठीक है, एक साइकिल है वो भी बंद प्रक्रिया वाली। इसकी परिकल्पना डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने की थी। रॉकेट बॉयज एक सीरीज आई थी, रॉकेट बॉयज, ठीक है, उसके अंदर डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, ठीक है, होमी जहांगीर बाबा, उन दोनों के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में बताया गया है। तो आपको देखनी चाहिए, वो काफी अच्छी सीरीज है। 2013 में भारत ने सफलतापूर्वक चरण एक को हासिल कर लिया था। भारत इस समय अपने त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण में है। कौन से चरण में है? दूसरे चरण में है। एक चरण को कंप्लीट कर लिया था, दूसरे चरण में है और तीसरा चरण अभी चालू नहीं हुआ है। परमाणु ऊर्जा भारत के लिए विद्युत का पांचवा सबसे बड़ा स्रोत है, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी का पांचवा सबसे बड़ा स्रोत है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परमाणु ऊर्जा भारत के लिए विद्युत का कौन से नंबर का सबसे बड़ा स्रोत है, तो पांचवें नंबर का है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से बन गया। कितने चरण का है ये ऊर्जा कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तीन चरणों का है, तो एक यहाँ से भी हो गया। कब इसकी शुरुआत की गई थी, तो शुरुआत तो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने ही कर दी थी, लेकिन भारत 2013 में अपना पहला चरण कंप्लीट करता है। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तीन चरण कौन कौन से? चरण एक में प्राकृतिक यूरेनियम से संचालित PHWRS यानी कि प्रेशर, जो हाई प्रेशर वाला है, ठीक है, प्रेशर्ड हार्ड वाटर रिजर्वोयर, ठीक है, प्लूटोनियम 239 का उत्पादन इसके अंदर किया जाता है। और PHWRS में भारी जल D2O, ठीक है, D2O को भारी जल कहा जाता है, का उपयोग मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में और शीतलक के रूप में भी किया जाता है। अब ये मॉडरेटर और शीतलक क्या है, ठीक है, तो जैसे कि मान लो ये ईंधन अपनी नाभिकीय जैसे ही क्रिया चालू करता है तो जो हीट है, ठीक है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको वापस उस पानी को ठंडा करने के लिए D2O को एज ए मॉडरेटर और कूलेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे कि जैसे टू व्हीलर हैं और फोर व्हीलर हैं, उनके अंदर क्या डाला जाता है? कूलेंट डाला जाता है ताकि इंजन गर्म हो तो वह उसको ठंडा किया जा सके। आजकल तो मोबाइल फोन में भी कूलेंट वगैरह आने लग गए हैं। सेकंड चरण क्या है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर FBR में पहले चरण से प्राप्त प्लूटोनियम 239 का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाएगा और यूरेनियम 238 का उत्पादन किया जाएगा। यानी कि जो ये प्रेशरली हार्ड वाटर रिएक्टर, ठीक है, रिजर्वोयर नहीं है, रिएक्टर है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरा चरण है जिसमें थोरियम के उपयोग के लिए अत्याधुनिक परमाणु ऊर्जा प्रणालियां विकसित की जाएगी, तभी चरण तीन में अपन प्रवेश कर पाएंगे जब चरण दो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि चरण एक तो 2013 के अंदर कंप्लीट कर लिया है इंडिया ने। अभी भारत में ऑपरेशनल परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, और कौन कौन से हैं और किस राज्य में इनकी अवस्थिति है? सबसे पहला तो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? नरोरा परमाणु विद्युत स्टेशन कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कई बार मैच द फॉलोइंग यानी कि मिलान वाले क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तब भी आपको ध्यान रखना है। एक तरफ आपसे ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र दे दिया जाएंगे और दूसरी तरफ दे दिए जाएंगे उनके अवस्थिति यानी कि उनके राज्य कहाँ पर वो स्थित है, तो आपको मिलान करना होगा। तो जो नरोरा परमाणु विद्युत स्टेशन है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो आप डायरेक्ट याद रखिए, दोनों को एक साथ याद रखिए, नरोरा उत्तर प्रदेश, रावतबाटा राजस्थान, ठीक है, रावतबाटा परमाणु विद्युत स्टेशन राजस्थान, तो नरोरा उत्तर प्रदेश, रावतबाटा राजस्थान, तो रावतबाटा से रा, ठीक है, और रा से राजस्थान, तो ये तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, और नरोरा उत्तर प्रदेश आपको एक साथ याद रखना है। दूसरा तीसरा है काकरापार परमाणु विद्युत स्टेशन, तो ये कहाँ पर है? तो काकरापार और तारापुर, ये दोनों कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। तो काकरापार और तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। केगा, तो केगा से केगा में क्या है और कर्नाटक में भी क्या है? तो केगा कर्नाटक, केगा उत्पादन स्टेशन कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर। मद्रास और उड़नकुलम ये कहाँ पर है? यह है तमिलनाडु के अंदर।
तो ये प्रमुख जो हमारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कौन कौन से राज्य में है? नरोरा उत्तर प्रदेश में है, रावतबाटा राजस्थान में है, तारापुर और काकरापार महाराष्ट्र में है, केगा कर्नाटक में है, मद्रास और कुंडनकुलम जो है वो है तमिलनाडु के अंदर। आई होप आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। सबसे पहला तो कदम है ये परमाणु ऊर्जा संशोधन अधिनियम 2015 पारित किया गया है। यह अधिनियम परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को संयुक्त उपक्रम गठित करने की अनुमति देता है। मतलब एक कंपनी और सारी और बहुत सी कंपनियों का जिनका सेम इंटरेस्ट है, यानी कि उनकी रुचि सेम है, वो एक साथ मिलकर ऐसे संयंत्रों का निर्माण कर सकती है, विकसित कर सकती है। दूसरा, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज यानी कि CLND एक्ट 2010 से संबंधित मुद्दों का समाधान भी किया जाएगा। और तीसरा है, भारतीय परमाणु बीमा पूल की स्थापना भी की गई है कि अगर जैसे परमाणु की जैसे ये परमाणु संयंत्र है, कई बार क्या होते हैं इनमें विस्फोट हो जाता है और जो रेडिएशन है वो आसपास के इलाकों में फैल जाती है, जिससे काफी नुकसान देखने को मिलता है। जैसे कि जर्मनी के अंदर ऐसा हुआ था और उससे काफी नुकसान हुआ था। तो ऐसे ही किसी जैसे कि अपना जो बीमा होता है, अगर ऐसा कोई समस्या उत्पन्न होती है तो भारतीय परमाणु बीमा पूल की स्थापना की जाएगी या की गई है। तो ये प्रमुख हमने देख लिया कि भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम क्या है, कितने चरणों में लागू किया गया था और कौन सा चरण हमने प्राप्त कर लिया है और कौन से चरण में हम वर्तमान में मौजूद हैं। भारत में ऑपरेशनल परमाणु जो ऊर्जा संयंत्र है वो कितने हैं और कहाँ कहाँ पर वो ऑपरेट हो रहे हैं वो भी हमने देख लिया। और साथ ही में सरकार के द्वारा जो परमाणु ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए जो कदम है वो भी हमने देख लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।